अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग फ्रेश होंगे। तो ये हम जो है लंच कर रहे हैं साथ में, क्योंकि था सैटरडे का दिन और सैटरडे ऑफ होता है तो घर में ही रहते हैं, तो इस वजह से जो ना बहुत ही लेज़ी नाश्ता और लंच ना इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो ब्रंच बन जाता है। तो ये भाई हम खा पी के निकले थे किसी काम से बाहर, तो वहाँ के ना ये समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है कि क्या ही बताइए। और आप लोग भी अगर इस तरह से चटनी में ऐसे डिप करके ये समोसे ट्राई करेंगे ना, तो समोसे वाकई में बहुत मज़े के थे। और इससे पहले भी मैं काफ़ी बार खा चुकी हूँ तो ये मुझे पसंद आए थे, तो इस वजह से हम दोबारा से यहाँ खाने बैठ गए थे। और वैरायटीज समोसों की और फ्राइड आइटम की इतनी सारी थी ना इनके पास कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने बोला चलो सोचो आपको बताऊँ क्या, आपको दिखाई दूँ कि भाई वैरायटी कितनी सारी थी इनके पास और क्या क्या था इनकी वैरायटीज़ में ना। अलग अलग किस्म के समोसे थे, जिसमें चिकन, आलू, कीमा, हर किस्म के समोसे थे। फिर रोल थे इनके पास, वेजिटेबल थे, चिकन थे, चीज़ रोल थे। फिर उसके बाद और भी कोन्स वगैरह के आइटम थे, वो भी इन्हीं तरीके से वैरायटीज़ में थे ना। और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आइटम्स थे इनके पास कि काफ़ी ज़्यादा जो है सेल हो रहे थे, क्विकली सेल हो रहे थे। तो हमने तो सिर्फ समोसे लिए, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं लिया। बाकी नमकीन वगैरह इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा आइटम थे। तो ये सब कुछ हम खा पी के निकले रात को थोड़ी सी आउटिंग के लिए। तो आउटिंग के लिए हम निकले ना, तो यहाँ पर हमें कोई एक नया पार्क वगैरह नज़र आ गया, तो सोचा भाई थोड़ा सा इसको भी अंदर से देख लें ये कैसा है कैसा नहीं है। अदरवाइज़ इससे पहले हमने नहीं देखा था ये पार्क, फर्स्ट टाइम देखा था हमने। और ये भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इस पार्क को भी। वहाँ से पूछने से हमें पता चला ये बात, अदरवाइज़ हमने तो इससे पहले देखा ही नहीं था पार्क। भाई यहाँ पर कोई पार्क भी है? बट अच्छा बना हुआ था, डिसेंट बना हुआ था, काफ़ी फैमिलीज़ थी यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं था। माहौल भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो सोचा बच्चों को लेके यहाँ पर लेके चलें, क्योंकि बच्चे हमारे साथ ही थे। तो भी यहाँ पर प्लेग्राउंड्स वगैरह, हम लोग थोड़ा सा लेट नाइट पहुँचे थे ना, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ना क्लोज वगैरह हो गई थी, इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी चीज़ें, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ओपन था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय भी किया यहाँ पर। बच्चों के लिए मतलब हर पार्क में जब तक कुछ ना होना ऐसा हो नहीं सकता, और बच्चे कहें फिर जब हमें पार्क में ऐसी कोई चीज़ मिल गई है ना, तो हमने तो फिर पार्क छोड़ के जाना ही नहीं है, हमने घर बार सब भूल जाना है पार्क के पीछे। तो बस यही सीन हुआ था हमारे साथ भी कि हम बच्चों के यहाँ ले तो आए थे, लेकिन वहाँ से बाहर ले जाने के लिए ना बहुत बहुत बच्चों ने तंग किया। खाने पीने के भी आइटम्स थे और काफ़ी ज़्यादा आइटम्स ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आइटम ख़त्म ही हो गए थे यहाँ पर। और तकरीबन जो है ना कुछ शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, बस ये है कि बच्चों के झूले वगैरह थोड़े खुले थे, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने जो है थोड़े से बच्चों ने इन्जॉय वगैरह कर लिया। अदरवाइज़ यहाँ फूड कोर्ट्स वगैरह में ना फूड कोर्ट्स की सारी आइटम्स ख़त्म हो गए थे। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि अगर हमने वहाँ से जो भी चीज़ ली होती या खाई होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो यही हुआ था कि यहाँ पर जो है ना सारा आइटम ख़त्म हो गया था, कि बच्चों को फिर बाहर बहुत मुश्किल से निकाला है, उनको पटा कर बहला कर किसी कितना किसी तरीके से उनको बाहर निकाला है, वो बाहर आने के लिए राज़ी ही नहीं थे। फिर यहाँ गाने सुन के लोग डांस करना शुरू हो गए थे और बड़ा ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, इतना इन्जॉय कर रहे थे कि इनको घर बार ये सब भूल चुके थे कि भैया हमारा घर भी और हमें घर भी जाना है। और साथ में बाकी लोगों को देर हो रही थी, क्यों? क्योंकि हम लोग निकले थे आइसक्रीम खाने के लिए और ये बच्चों ने घर जाने का नाम ही नहीं लेना था। बड़ी मुश्किलों से इनको पटा के बहला के हम लोग घर के लिए निकले थे, तो ये निकलते निकलते भी ना उनको बार बार बैग पर जाना था कि भाई हमने वापस जाना है, लेकिन बहुत मुश्किलों से हमने जैसे जैसे करके इनको निकाल लिया। तो ये बात भी मैं आपको बोलते चलूँ, भाई वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके वॉच कीजिए और बाकी लोगों को भी दिखाइए। उसके बाद हमने थोड़ा सा वेदर, आपको पता है कि काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो हमने थोड़ा सा जूस पी लिया था और ये था ऑरेंज का फ्रेश ऑरेंज जूस था ये। उसके बाद ना ये थोड़ा गर्म लग रहा था, तो हमने भाई इसके अंदर बर्फ़ डलवा के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, जो कि मैंने बताया कि हम आइसक्रीम के लिए निकले थे। तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारा फ्लेवर्स थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, मैंगो, पिस्ता और आलमंड्स, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ना पता नहीं कौन कौन से आइटम्स थे, मैं तो भूल भी गई। मैंने तीन फ्लेवर्स लिए थे जिसके अंदर मेरा था वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और तीनों ही फ्लेवर्स बस अच्छे थे, कोई इतने ज़्यादा खास नहीं थे। जैसे कि इनके फ्लेवर्स थे ना, वैसे इनके फ्लेवर्स नहीं थे, अब फ्लेवर्स बहुत चेंज हो गए। और यहाँ थोड़ी हो रही थी इंस्टाग्राम की शूट, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।